नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज एमपी। मैं हूं अमन शुक्ला। मध्य प्रदेश गृह मंत्री आजकल एक्टिव मोड में है, बैठकों पर बैठक कर रहे हैं। इनके एक के बाद एक बड़े बयान भी सामने आ रहे हैं। इस बीच इन्होंने एक बड़ा ऐलान किया है, वो भी कश्मीरी पंडितों के हित में। जी हाँ, मध्य प्रदेश में हमेशा राजनीति का केंद्र रहे कश्मीरी पंडितों को लेकर मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बड़ा ऐलान कर दिया है। नरोत्तम मिश्रा ने ऐलान किया है कि जो भी कश्मीरी पंडित मध्य प्रदेश में रह रहे हैं, अगर उनकी जमीनें कश्मीर में हड़पी गई हैं, तो वो गृह मंत्रालय को आवेदन दें। इसके बाद प्रदेश सरकार भारत सरकार के गृह मंत्रालय से अनुरोध कर उनकी जमीन वापसी दिलाने का पूरा प्रयास करेगी। ये खबर कश्मीरी पंडितों को खुश करने वाली है, क्योंकि वर्षों से जो लोग अपने आशियाने पाने के लिए तरस गए थे, उनको अब प्रदेश सरकार उनकी जमीन वापस दिलाने जा रही है। पलायन के समय कश्मीरी पंडितों के साथ जो बर्ताव हुआ वो किसी से छिपा नहीं है, लेकिन अब प्रदेश सरकार इनकी हड़पी गई जमीनों को वापस दिलाकर इनके आंसू पोंछने का काम करेगी। जहां इस खबर से मध्य प्रदेश में रहने वाले कश्मीरी पंडित खुश हैं, तो वहीं इनकी जमीनों पर कब्जा करने वाले कट्टर कश्मीरी मुस्लिमों की नींद उड़ गई होगी। यह खबर सुनकर उनके पैरों के नीचे की जमीन भी खिसक गई होगी, वो बौखला गए होंगे, लेकिन अब वो कुछ भी कर लें, इन्होंने कश्मीरी पंडितों की जमीनों पर खूब राज कर लिया। अब और नहीं, मध्य प्रदेश सरकार ने ठान लिया है कि वो कुछ भी करके हड़पी गई जमीनों को उनकी असली हकदार को दिलाकर रहेंगे। ये कट्टरवादी अपना बोरिया बिस्तर समेटने की तैयारी कर लें। अब वो दिन लद गए जब इन्होंने कश्मीरी पंडितों को अपने आशियानों को छोड़कर जाने पर मजबूर कर दिया था, लेकिन अब हर कश्मीरी पंडित अपना हक लेकर रहेगा और इसमें प्रदेश सरकार उसकी पूरी मदद करेगी। नरोत्तम मिश्रा ने रोशनी एक्ट पर भी सवाल उठाया है। इन्होंने कहा कि कश्मीर में रोशनी एक्ट के नाम पर अंधेरा फैलाने का नापाक काम किया गया है। इतना ही नहीं, नरोत्तम मिश्रा ने रोशनी एक्ट को लेकर कांग्रेस को जमकर रताड़ा। उन्होंने कहा कि रोशनी एक्ट कांग्रेस की ओर से पैदा किया गया एक अभिशाप है। कुछ लोगों ने आतंकवाद से मिलकर रोशनी के नाम पर कश्मीर में अंधेरा फैलाया। कश्मीर स्वर्ग कहा जाता था, लेकिन इन लोगों ने इसे नरक बनाने की नापाक कोशिश की है। इसलिए अगर कोई मध्य प्रदेश में है जिसकी रोशनी एक्ट के तहत जमीन हड़पी गई है, तो गृह मंत्रालय को जानकारी दें और सरकार केंद्र से बात कर जमीन वापस दिलाने की पूरी कोशिश करेगी। आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो ये जानना चाहते होंगे कि आखिर ये रोशनी एक्ट क्या है जिसके तहत लोगों की जमीन हड़पने की बात कही जा रही है। तो आपको बता दें कि गरीबों के घरों को रोशन करने के नाम पर नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार ने जम्मू और कश्मीर भूमि एक्ट 2001 लागू किया था। इसमें 1990 से हुए अतिक्रमण को इस एक्ट के दायरे में लाकर नियमित करने का फैसला किया गया था, मगर एक्ट का फायदा उठाकर राजनेताओं, नौकरशाहों और व्यवसायियों ने सरकारी और वन भूमि का बेमानी से बंटवारा किया। इतना ही नहीं, योजना के तहत सरकार के नाक के नीचे सरकारी जमीन को नियमित करने के लिए कई नए कब्जे भी किए गए। साल 2005 में मुफ्ती के नेतृत्व वाली पीडीपी सरकार ने योजना का दायरा 2004 तक हुए कब्जों तक सीमित कर दिया, तो वहीं गुलाम नबी आजाद के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने इसे वर्ष 2007 तक सीमित कर दिया। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इस बात को बखूबी समझ गए होंगे कि रोशनी एक्ट क्या है और इसके तहत किस प्रकार से अंधेरा फैलाया गया। लेकिन अब प्रदेश सरकार ने ठान लिया है कि वो केंद्र सरकार की मदद से लोगों की हड़पी गई जमीनों को वापस दिलाने का काम करेगी। इस वीडियो में इतना ही। ये खबर पसंद आए तो अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहे वीके न्यूज़ एमपी। धन्यवाद।